देखिए, राहुल गांधी को मेरा लगता है कि इनविटेशन भी नहीं मिला है। हमको जैसा इनविटेशन नहीं मिला है, मुझको लगता है राहुल गांधी का भी वहां में इनविटेशन नहीं है। लेकिन 22 जनवरी का पास बाद में हम जैसे जाएगा वो भी जा सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं। ये लोग बाबर से डरता है, तो बाबर का डर में वो लोग राम मंदिर में जाने के लिए तुरंत तो वो लोग नहीं जाएगा। जब हिंदू का दबाव बढ़ेगा तभी जाएगा। जनगणना करिए ना, उसमें क्या माना है आप? देखिए, राहुल गांधी को मेरा लगता है कि इनविटेशन भी नहीं मिला है। हमको जैसा इनविटेशन नहीं मिला है, मुझको लगता है राहुल गांधी का भी वहां में इनविटेशन नहीं है। लेकिन 22 जनवरी का पास बाद में हम जैसे जाएगा वो भी जा सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं। ये लोग बाबर से डरता है, तो बाबर का डर में वो लोग राम मंदिर में जाने के लिए तुरंत वो लोग नहीं जाएगा। जब हिंदू का दबाव बढ़ेगा तभी जाएगा। जनगणना करिए ना, उसमें क्या माना है आप? देखिए, राहुल गांधी को मेरा लगता है कि इनविटेशन भी नहीं मिला है। हमको जैसा इनविटेशन नहीं मिला है, मुझको लगता है राहुल गांधी का भी वहां में इनविटेशन नहीं है। लेकिन 22 जनवरी का पास बाद में हम जैसे जाएगा वो भी जा सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं। ये लोग बाबर से डरता है, तो बाबर का डर में वो लोग राम मंदिर में जाने के लिए तुरंत वो लोग नहीं जाएगा। जब हिंदू का दबाव बढ़ेगा तभी जाएगा। जनगणना करिए ना, उसमें क्या माना है आप? देखिए, राहुल गांधी को मेरा लगता है कि इनविटेशन भी नहीं मिला है। हमको जैसा इनविटेशन नहीं मिला है, मुझको लगता है राहुल गांधी का भी वहां में इनविटेशन नहीं है। लेकिन 22 जनवरी का पास बाद में हम जैसे जाएगा वो भी जा सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं। ये लोग बाबर से डरता है, तो बाबर का डर में वो लोग राम मंदिर में जाने के लिए तुरंत वो लोग नहीं जाएगा। जब हिंदू का दबाव बढ़ेगा तभी जाएगा। जनगणना करिए ना, उसमें क्या माना है आप? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।